हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एनडीए की जीत से जश्न में डूबे कार्यकर्ता, बीजेपी दफ्तर में आकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाई जीत की खुशी। जीत के बाद जेडीयू कार्यालय के बाहर लगा डबल इंजन सरकार का पोस्टर, ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में पोस्टर पर लगे तेजस्वी यादव की फोटो को भी लड्डू खिला दिए। कार्यकर्ता बोले तेजस्वी को जीत से सबक लेना चाहिए। जश्न मनाने में महिला जेडीयू कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही, गीत गाकर खुशी का किया इजहार। जीत के जश्न के बीच नीतीश के खिलाफ कुछ बीजेपी नेता हुए लामबंद। अजीत नारायण चौधरी ने कहा किसी बीजेपी कार्यकर्ता को सीएम बनाने की मांग की। जेडीयू नेता अजय आलोक बोले गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, छुटवैया नेताओं के बयान का महत्व नहीं। बिहार में सीएम विवाद पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोले एनडीए ने नीतीश को नेता चुना था इसीलिए उन्हें ही सीएम बनाया जाना चाहिए। चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया, कहा कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों को हराने का हो रहा है काम। धांधली का आरोप आरजेडी ने सीधे नीतीश कुमार पर लगा दिया, कहा नीतीश कुमार अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायत लेकर देर रात आरजेडी नेता मनोज झा, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई, चुनाव आयोग ने कहा किसी के दबाव में नहीं हो रहा काम, निष्पक्षता से काउंटिंग हुई। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी का बोलबाला, 7 में से 6 सीटों पर मिली जीत, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। हसनपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी जीते, 80,000 से ज्यादा वोट मिले। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लोगों को कहा शुक्रिया। प्यूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर से चुनाव हारी, बीजेपी के नितिन नवीन ने हराया, तीसरे नंबर पर रही पुष्पम प्रिया। बांकीपुर से ही चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भी मिली हार, कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे थे चुनाव। मधेपुरा विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हारे, आरजेडी के चंद्रशेखर ने दर्ज की जीत। इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी ने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को 16,000 वोटों से हराया। मोकामा से आरजेडी के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह जीते, इस सीट से 5वीं बार मैदान में थे, अभी जेल में बंद है अनंत सिंह। गया सिटी से बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार की बड़ी जीत, 1990 से सीट पर कब्जा रहा, 8वीं बार विधायक बने हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार और नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने जमुई सीट से दर्ज की जीत, राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी को हराया। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी हारे, 66,000 वोट मिलने के बावजूद आरजेडी प्रत्याशी ने 1800 वोटों से हरा दिया। जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को लालू की ही पार्टी ने हराया, आरजेडी प्रत्याशी छोटे लाल राय के हाथों मिली हार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के इस्तीफे देने वाली जेडीयू की मंजू वर्मा चेरिया बरियारपुर सीट से हार गई, आरजेडी के राजवंशी महतो ने हराया। दिनारा सीट से बीजेपी के बागी और एलजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को बड़ी हार मिली, आरजेडी प्रत्याशी ने हराया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत, 243 में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल पर मोहर, एबीपी न्यूज सी वोटर ने एनडीए गठबंधन के खाते में 104 से 128 सीटों का अनुमान लगाया था। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, 74 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत, 43 सीटों पर जीती जेडीयू। आरजेडी गठबंधन ने भी बिहार में एनडीए को कड़ी टक्कर, गठबंधन के खाते 110 सीटें गईं। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, 75 सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों की जीत, 19 सीटों पर कांग्रेस जीती। चिराग पासवान की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी का सबसे ज्यादा बुरा हाल, केवल एक सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी, चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए थे चिराग पासवान। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंकाया, ओवैसी ने जनता को दिया धन्यवाद, बोले विपक्ष की नाकामी की वजह से जीती बीजेपी। लेफ्ट के खाते में भी गई 16 सीटें, वीआईपी हम पार्टी को 4-4 और बीएसपी को मिली 1 सीट।
राघोपुर सीट से तेजस्वी की बड़ी जीत, 73,000 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को 28,000 वोट से हराया। 2010 में सतीश कुमार ने सीट से राबड़ी को हराया था।